देश भर में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पीएम मोदी सबको एकजुट होने की सलाह बार बार देते रहते हैं। सबने देखा होगा कि जनता कर्फ्यू के दौरान भी पीएम ने सबसे अपील की थी कि शाम को ताली और थाली बजाकर कोरोना वॉरियर्स का हौसला बढ़ाना है। उस दौरान भी सियासत खूब हुई थी और कांग्रेस सहित दूसरे दलों ने पीएम पर हमला बोला था। एक बार फिर लॉकडाउन के बीच में ही पीएम ने देशवासियों से अपील की है कि 5 अप्रैल को दिया और मोमबत्ती जलाना है। अब इस पर कांग्रेस नेता शशि थरूर और सिंगर अदनान सामी के बीच ट्विटर पर जंग छिड़ गई है। थरूर ने पीएम मोदी के फैसले के बारे में बात करते हुए ट्वीट किया, जिसका अदनान सामी ने जवाब दिया। कांग्रेस नेता ने ट्वीट किया कि 5 अप्रैल को रात 9 बजे लाइट बंद करने और फिर अचानक 9:09 पर चालू करने से इलेक्ट्रिक ग्रिड क्रैश हो सकता है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स रात 8 बजे से ही बिजली काटने और 9:09 पर वापस देने की सोच रहे हैं। इसके जवाब में अदनान सामी ने ट्वीट किया कि वे लोगों के एक होने के समय पर ठीक बात नहीं बोल रहे हैं। थरूर को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने हिंदी में अदनान की बात का जवाब देते हुए लिखा कि भाई साहब, आपका संदेश हिंदुस्तानी में होता तो ज्यादा अच्छे से समझ जाता। मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि लोगों को अंधेरी टनल में क्यों रखना, जबकि रोशनी हो सकती है। और हाँ, बिना बिजली के लिफ्ट कैसे कराएंगे। शशि थरूर के इस ट्वीट का जवाब अदनान ने भी हिंदी में ही दिया। उन्होंने लिखा, भाई साहब, मैंने आपको अंग्रेजी में इसलिए लिखा था क्योंकि आपका पहला ट्वीट अंग्रेजी भाषा में था। अब जो आपने हिंदी में लिखा है तो लिहाजा जवाब भी हिंदी में दूंगा। रोशनी आप दिल में रखिए और लिफ्ट की फिक्र ना करें। हालांकि ये पहला मामला नहीं है कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पीएम लगातार लोगों को संदेश दे रहे हों और एकजुट होने की अपील कर रहे हों, जबकि कांग्रेस मामले में राजनीति करने से नहीं चूक रही है।